हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आनंदी, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं, हमें एक बहुत दिनों से लोग हमेशा मतलब रेगुलरली कमेंट आता है कि मैम बताइए जो हमारा पेनिस है कमज़ोर है, अगर दुबला पतला है, अगर हम उसे मोटा करना चाहें, या फिर अगर हम ज़्यादा अगर जब मास्टरबेशन करते हैं उसकी वजह से जब पेनिस हमारी कमज़ोर हो गई है, वहाँ मतलब गांठ जैसा पड़ गया है और पेनिस के ऊपर जो हिस्सा जो फ्रेश स्किन का हिस्सा होता है अगर वहाँ पर दाने जाने जैसे आपको नज़र आते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ना, आप सभी पुरुष भाई इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं 101% आपको इससे काम करेगा और इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो चीज़ इसमें मैं बताने जा रही हूँ नया चीज़ है और इसको करने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, नेचुरल चीज़ है और आपके जो पेनिस से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन आइकन को सेलेक्ट करें ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो बने तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए गाइस आज की वीडियो शुरू। तो जैसे गाइस हम आपको बता देते हैं कि चाहे आपके पेनिस कमज़ोर हो, चाहे पेनिस की लंबाई कम हो, चाहे पेनिस की जो मोटाई होती है अगर वो कम, यानी कि जो आपका पेनिस अगर दुबला पतला है, या फिर पेनिस की जो ऊपर की जो स्किन है चाहे जल्दी वो नीचे ना आती हो, चाहे पेनिस की जो फोर स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर चाहे लालिमा सा हो, चाहे दाने जैसे निकल जाते हों आपको यूरिन करते समय, या फिर संबंध बनाते समय अगर दर्द हो, तो इन सारी समस्याओं के लिए एन उसका 101% काम करेगा। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैम जब भी मैं संबंध बनाता हूँ तो मेरे पेनिस में ज़्यादा दर्द क्यों होता है, या जब भी मैं मास्टरबेशन करने के लिए जब अपने पेनिस को पकड़ता हूँ तो उस समय क्यों दर्द होता है। तो देखिए गाइस, इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पेनिस रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर आपको वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको नुस्खा बता देते हैं कि आपको इसमें क्या लेना है और किस तरीके से करना है, जो कि आपके पेनिस रिलेटिव हर समस्या के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको देसी घी लेना है गाइस। जी हाँ, अभी आप बोलेंगे कि खाने के लिए देसी घी नहीं मिल रहा है तो पेनिस पर लगाने के लिए कहाँ से मिलेगा, है ना। तो आप जैसे कि जो मार्केट से उपलब्ध होता है आप अच्छे क्वालिटी अच्छे ब्रांड का देख के और अपने पेनिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे हमें इस्तेमाल करना है, पहले सही तरीका आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही तरीका मालूम रहेगा तभी हमें उसे इन्फेक्शन नहीं होगा और उसे जो बेनिफिट होगा ज़्यादा मात्रा में होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, रात के समय अगर करते हैं अपने पेनिस पे इसका मतलब कि इस्तेमाल, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि रात के समय हमारे शरीर बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम अच्छे से रिलैक्स होकर सोते हैं, तो उस समय जो है हमारे शरीर बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो उस समय आपको ही एक चम्मच घी निकालना है, उसको पहले गर्म कर लेना है। अब घी को इतना ज़्यादा मत गर्म करिएगा उसमें से पूरा धुआं निकलने लगे, हल्का सा गुनगुना करना है, ठीक है। उस गुनगुने करने के बाद क्या करना है कि आपको वही उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नेचुरल सिर्फ और सिर्फ घी ही रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी घी से आप अपने पेनिस पर मसाज करेंगे। ध्यान रहे कि अगर आपको लगता है कि वो देसी घी अच्छे ब्रांड का है तो उस देसी घी को आप अपने फोर स्किन के अंदर भी डाल सकते हैं। आपके पेनिस के अंदर के जो भी नसें हैं वहाँ का ब्लड अच्छे से सर्कुलेशन काम करेगा, वहाँ पे दाने दाने निकल गए हैं या फिर दर्द होते हैं या फिर जल्दी से जो है आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो पेनिस के अंदर डालने से ये बेनिफिट होता है कि आपकी टाइमिंग बढ़ती है, आपका जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होता है, और इसमें डालने से ये बेनिफिट होता है कि आपका अंदर से पेनिस ग्रोथ करता है, यानी कि अंदर से पेनिस जो है आपका अगर कमज़ोर है पतला है या फिर उसमें तनाव की कमी आता है हमेशा, मतलब थोड़ी सी कितना भी कोशिश करते हैं मतलब जो तनाव आता है तो देरी से आता है और जब आ जाता है तो बहुत ही जल्दी जो है लूज हो जाता है, यानी कि तनाव बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। बाकी का जो देसी घी बचा है उसको अपने पेनिस पे, अपने जो अंडकोश से शुक्राणु वाला जो भाग होता है उन सारे चीज़ों पे, अपने प्राइवेट पार्ट के जो आजू बाजू के जो सारे एरिया हैं जो पार्ट्स हैं उन सब पे आपको मसाज करना है। देसी घी से मसाज करने से जो है वहाँ की जो जो हड्डियाँ होती हैं, जो वहाँ के पार्ट्स होते हैं मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि मसाज करने के बाद तुरंत आपको अंडरवियर नहीं पहनना है, कम से कम आप चाहे तो रात भर भी निकाल कर सो सकते, कोई हल्के कपड़े पहने, चाहे हल्के टावल लपेट लें, चाहे कोई हल्के जालीदार वाले कपड़े पहने, वैसे में भी रात में ज़्यादा टाइट या मोटे जो आप दिन में पहनते हैं उसको उस अंडरवियर को पहनकर नहीं सोना चाहिए, आपके जैसे कि जो प्राइवेट पार्ट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो गाइस इसी तरीके से आपको रोजाना नियमित तौर से 15 से 20 दिन तक मसाज करना है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है यार, कोई भी मेहनत का काम नहीं है, आप 2 से 3 मिनट तक मसाज तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल लोग अक्सर रात में देर रात तक चलाते हैं देखते, उसी समय आप अपने पेनिस पर मसाज करें, कम से कम ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट तक ही मसाज करें। बहुत लोगों का ऐसी कहता था कि मैम जब भी मैं मसाज करता हूँ तो मेरा जो वीर्य निकल जाता, तो क्या ऐसे में मसाज कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, उसको साफ करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप करते हैं तो 101% केस में जो वीर्य निकलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम रहते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, सबके बॉडी एक जैसे नहीं होते,
किसी को छूने से ही उनका जो प्राइवेट पार्टी खड़ा हो जाता है बहुत लोगों में खड़ा करने के लिए, यानी कि उनके पेरेंट्स में तनाव लाने की बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। उसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपके पहले जो स्किन होता है फॉर स्किन, अगर उसमें घी डालकर मसाज करें, चाहे अगर आप घी से मसाज करें चाहे ऑयल से मसाज करें, पहले इसमें जो छिद्र होता है पहले इसमें डालने के बाद ही मसाज करें, तो ये जो वीर्य निकलने की प्रॉब्लम है ना ये बहुत ही हद तक कम हो जाती है। इस बात को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपके वीर्य निकलने की जो पहले की बात होती है ना ये कम हो जाएगा। ठीक है, पेनिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपका पेनिस टेढ़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे उसमें तनाव की कमी आती हो, चाहे वीर्य की क्वालिटी की कमी हो, चाहे आपका टाइमिंग की कमी हो, इन सारी समस्या जो धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। देखिए गाइस, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेचुरल नुस्खा है, मतलब कि घरेलू नुस्खा है, इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं है भाई कि आपको अंग्रेजी दवाई में आपको कोई बता रही हूँ आप उसे अभी खाए 10-15 मिनट बाद तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। घरेलू नुस्खा आपको थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करना, आपको धीरे धीरे अगर आराम लेना है लंबे समय तक, अगर चाहते हैं कि इसका आराम आपको इसका रिजल्ट मिल सके तो आप इस नुस्खे को जारी रखिए, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों के रिलेटेड जो भी सवाल थे मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की हूँ। आप लोग अपनी पेनिस पे अगर इस तरीके से मसाज करते हैं, इस चीज़ का मसाज करते हैं, इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, नेचुरल चीज़ है और बहुत ही जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, और भी लोगों में शेयर करिएगा, ताकि जिनको भी पेनिस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम वो लोग आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, एंजॉय करते रहें गाइस, लव यू, धन्यवाद।